वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम मियाँ सलान फ़ारूक है और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपकी खिदमत में फिर से एक बार हाजिर हुआ हूँ आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए। जी हाँ, आज आपको दिखाएंगे 5 मरले का एक यूज्ड घर। मैं इस टाइम मौजूद हूँ सेक्टर डी की एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे। सराउंडिंग्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ये यूज़ घर है जो आपको मेरी कैमरा में नज़र आ रहा होगा, ये हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। और अगर आप इसकी प्राइस जानना चाहते हैं और इसको आप अंदर से देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारी हर आने वाली नई इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल अपॉर्चुनिटी से मुस्तफीद हो सकें, अपनी अच्छी सरमायाकारी कर सकें, अपना अच्छा घर बना सकें। तो बगैर टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको लेकर चलता हूँ घर के अंदर। अब आपको लेकर चलता हूँ घर के अंदर और पहले ही आप देख सकते हैं साइड पे एक छोटी सी क्यारी छोड़ी गई है जिसमें आप बड़ी खूबसूरत सी प्लांटेशन कर सकते हैं, इसको डेकोरेट कर सकते हैं। बाकी आप टाइलिंग की बात करें तो अच्छी टाइलिंग यूज़ की गई है, यहाँ पे अच्छी टाइलिंग की गई है। अब मैं एंटर होता हूँ इसके गैराज में, आप देख सकते हैं एक सेडान गाड़ी करोला या सिटी की तरह की बआसानी यहाँ पर पार्क हो सकती है। ये आप देख सकते हैं, इस जगह को भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना गीज़र या वॉशिंग मशीन की फ़िटिंग कर सकते हैं। घर को जी डबल यूनिट डिज़ाइन किया गया है, ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर जाने का रास्ता है अलहदा से और एंट्रेंस अलहदा से है, मतलब कि अगर कल को आप इस घर को रेंट आउट करेंगे तो ना आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी ना ही अपर पोर्शन वालों की। तो जी व्यूवर्स, मैं इस घर में एंटर हो चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं इसका लाउंज, सामने मीडिया वॉल बनाई गई है। आपको हमारे चैनल पे और भी यूज़ घर देखने को मिले होंगे लेकिन ये घर ज़रा अच्छा है और बड़ा ही साफ़ सुथरा घर है। मीन्स टू से कि अगर आप ये घर परचेज़ करते हैं तो आप इसमें एज इट इज़ रह सकते हैं, आपको ऊपर पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी व्यूवर्स, ये इसका ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में ये आप देख सकते हैं निश बनाई गई है जिसमें एलईडी लाइट्स का यूज़ किया गया और रॉक वाला है इसमें। इसी के साथ सीलिंग्स आप देख सकते हैं, अच्छा इसके नीचे वाले पोर्शन में लोअर पोर्शन में एक बेडरूम है। चले मैं आपको बेडरूम दिखा देता हूँ। तो जी व्यूवर्स, मैं मौजूद हूँ इस टाइम इसके बेडरूम में, रीजनेबल स्पेस का बेडरूम है, बड़ी ही सिंपल और डिसेंट लुक प्रोवाइड की गई है सीलिंग को। ये इसकी वार्डरोब देख सकते हैं आप, अच्छी और बड़ी विंडोज यूज की गई हैं। तो चलते हैं वॉशरूम की तरफ। तो जी व्यूवर्स, आप वॉशरूम देख सकते हैं, मुनासिब वैनिटीज का इस्तेमाल किया गया है, टाइलिंग भी बहुत रीजनेबल है, बहुत ही कम घरों में आपको देखने को मिला होगा ये, आपको डब्ल्यूसी और कमोड की ऑप्शन एक साथ मिल जाती है इसमें। तो जी अब आपको लेकर चलता हूँ इसके किचन की तरफ, फिर उस घर को ऊपर से देखते हैं और एंड में मैं इंशाल्लाह ताला आपको इसकी प्राइस बताता हूँ, तो स्टे कनेक्टेड विद अस। तो जी व्यूवर्स, ये मैं इसके किचन में मौजूद हूँ, ये आप देख सकते हैं, आप इसकी कैबिनेट्स देख सकते हैं, अच्छी यूवी शीट का इस्तेमाल किया गया, डिजिटल एग्जॉस्ट आपको पहले ही देखने को मिल जाता है इसमें, हॉट प्लेट आपको देखने को मिल जाती है और अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी है अगर आप देखें तो। ये इसका बैकयार्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे आप गीज़र भी रख सकते हैं और अपनी वॉशिंग मशीन्स का भी सेटअप कर सकते हैं। तो जी व्यूवर्स, अब आपको मैं लेकर चलता हूँ उसके अपर पोर्शन की तरफ और इसका अपर पोर्शन आपको दिखाता हूँ। स्टेयर्स में मार्बल का यूज़ किया गया,
तो जी व्यूवर्स, मैं मौजूद हूँ अब इसके अपर पोर्शन में, ये आप देख सकते हो। सिंपल और डिसेंट सीलिंग्स बनाई गई हैं और अपर पोर्शन में इसके दो बेडरूम्स हैं। पहले चलते हैं इसके बैक वाले बेडरूम की साइड पे। काफ़ी रीजनेबल स्पेस का ये बेडरूम बनाया गया है। वार्डरोब्स आप देख सकते हैं। सीलिंग्स देख सकते हैं आप। ये एंटर होते हैं इसके वॉशरूम में। बहुत ही मुनासिब और रीजनेबल वैनिटीज का इस्तेमाल किया गया है। तो अब आपको लेकर चलता हूँ इसके फ्रंट साइड के बेडरूम की तरफ। तो जी व्यूअर्स, ये मैं इसके फ्रंट साइड के बेडरूम में मौजूद हूँ। ये बाहर से आप व्यूज देख सकते हैं इसका। आपको यहाँ पे भी वार्डरोब मिल जाती है और ये आपको बड़ी मुनासिब एमिनिटी मिल जाती है। अमूमन आपने देखा होगा कि अपर पोर्शन के जो किचन्स होते हैं उनको ओपन रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि इसके किचन को बिल्कुल सेपरेट रखा गया है और साइज़ में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। साइज़ आप देख सकते हैं, अच्छी यूवी शीट्स का यूज़ किया गया है इसमें। हॉट प्लेट आपको पहले से ही देखने को मिल जाती है। तो अब आपको लेकर चलता हूँ आखिर में इसकी बेल्कनी की तरफ है। इसकी प्राइस को डिस्कस कर लेते हैं। बेल्कनी में भी वही टाइलिंग की गई है जो लाउंज में की गई है, ये आप देख सकते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना पीसफुल एनवायरनमेंट है इसके करीब। सराउंडिंग में सारे घर बने हुए हैं, बिल्कुल आबाद इलाका है। मैकडॉनल्ड्स, रेम्बो कैश एंड कैरी जो कि एक जाना माना सुपर स्टोर है, और बाकी भी जो छोटा मोटा जो शॉप्स होती हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं ज़िंदगी की, वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। हार्डली 1 से 2 मिनट की वॉक पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो जी व्यूवर्स, आप बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो इसकी जो डिमांडिंग प्राइस है वो 1,90,00,000 रुपया है, जो कि मैं समझता हूँ आज के टाइम में बहुत मुनासिब है और निगोशिएबल भी है। ये कोई फुल एंड फाइनल प्राइस मैंने आपको नहीं बताई, इसमें बिल्कुल हमें निगोशिएशन मिल जाएगी। तो व्यूवर्स, अगर आप इस घर को परचेज करते हैं रहने के लिए तो भी बड़ा फ़ायदेमंद है। आपको इसके ऊपर कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आप इसको बाय करें और शिफ्टिंग करके यहाँ पे आराम से रहें। और अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं, मतलब रेंटल इनकम अगर आप यहाँ से जनरेट करना चाहते हैं, तो इसकी रेंटल वैल्यू जो है वो कम अज़ कम आपको 55 से 60 हज़ार तक मिल जाएगी। तो अगर 1,90,000 या जस्ट एन एग्जांपल आप एक चीज़ सपोज करें कि 1,90,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद अगर आपको 55 से 60 रेंटल इनकम रिसीव हो जाती है और आपका अपना घर भी बन जाता है एक तरह से, तो इट्स नॉट बैड। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें, अपनी बहुत अच्छी सरमायाकारी कर सकें और अपना अच्छा घर बना सकें। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।